आप देख रहे हैं सिटी न्यूज टुडे लाइव। 20 से 22 जनवरी तक चंडीगढ़ में आयोजित साउथ एशियन स्वास्थ्य फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 19 पदक, 9 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल। इन सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाकर मेडल अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में साउथ एशियन देश के भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान व भूटान के बॉक्सर भाग लिए थे। प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कोच के तौर पर बिहार के सचिव शयान ई राहुल श्रीवास्तव गए थे। इनके नेतृत्व में भारतीय टीम अपनी उम्दा प्रदर्शन के दम पर जीत हासिल की। विजेता ट्रॉफी भारतीय टीम के कोच शयान ई राहुल श्रीवास्तव को एशियन स्वास्थ्य कॉन्फेडरेशन ईरान के महासचिव कोड जा एव सुखरत के द्वारा दिया गया। विजेता खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है। स्वीटी कुमारी औसत 5 गोल्ड, कॉम्बैट गोल्ड। उपासना आनंद औसत गोल्ड, कॉम्बैट सिल्वर मेडल। तनुश्री ब्रॉन्ज मेडल। सृष्टि भारद्वाज गोल्ड मेडल। कुमारी अनन्या गोल्ड मेडल। अनुष्का अभिषेक गोल्ड मेडल। शिवानी कुमारी सिल्वर मेडल। रोहित कुमार प्रजापति गोल्ड मेडल। हिमांशु राज गोल्ड मेडल। सूरज कुमार सिल्वर मेडल। नितेश कुमार सिल्वर मेडल। नासिर फिरोज ब्रॉन्ज मेडल। हिमांशु भगत ब्रॉन्ज मेडल। काशिफ हुसैन ब्रॉन्ज मेडल। जीतने की खुशी में राज्य स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष सुनील कुमार व संयुक्त सचिव आसिफ अनवर व कोषाध्यक्ष शिल्पी सोनम समेत सभी सदस्यों द्वारा शुभकामनाएं दी गई व सभी खिलाड़ियों को पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर कल दिनांक 23 जनवरी को जोरदार स्वागत की तैयारी चल रही है। साथ ही पटना से मुजफ्फरपुर मार्शल आर्ट क्लब तक रोड शो किया जाएगा। रास्ते में लगभग 10 जगहों पर भारतीय टीम के स्वागत की तैयारी चल रही है। 20 से 22 जनवरी तक चंडीगढ़ में चल रहे साउथ एशियन सभा चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 19 पदक। ये खिलाड़ी या टूर्नामेंट जो था ये होने वाला था श्रीलंका में, लेकिन वहाँ स्थिति सामान्य नहीं होने की वजह से यह टूर्नामेंट भारत में हुआ और भारत में होने का पूर्ण फायदा भारतीय खिलाड़ियों को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पे 19 पदक जीता। कई खिलाड़ियों ने दोहरा पदक जीता। इसमें स्वीटी कुमारी असौत व कॉम्बैट दोनों ही फाइट में गोल्ड मेडल जीता है। उपासना आनंद असौत में गोल्ड व कॉम्बैट में सिल्वर मेडल जीता है। तनुश्री असौत में गोल्ड व कॉम्बैट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सृष्टि भारद्वाज गोल्ड मेडल। कुमारी अनन्या गोल्ड मेडल। अनुष्का अभिषेक गोल्ड मेडल। शिवानी कुमारी सिल्वर मेडल असौत फाइट। इसके साथ ही जब बालक खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित कुमार प्रजापति असौत में गोल्ड मेडल। हिमांशु राज असौत फाइट गोल्ड मेडल। सूरज कुमार असौत व सिल्वर दोनों में ही सिल्वर मेडल है इनका। नितेश कुमार की बात करें तो ये जो है सिल्वर मेडल व ब्रॉन्ज मेडल दोनों में जीते हैं। नासिर फिरोज ब्रॉन्ज मेडल। हिमांशु भगत ब्रॉन्ज मेडल। काशिफ हुसैन ब्रॉन्ज मेडल। ये सभी खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। इनके प्रदर्शन के दम पे आज भारत विजेता बना है और भारतीय विजेता टीम विजेता ट्रॉफी जो है हमें प्रदान किया गया है, जो कि एशियन सवाद कॉन्फेडरेशन के महासचिव सुकरत जी के द्वारा। और भारतीय टीम में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। ये सभी खिलाड़ी राज्यसभा संघ बिहार के अध्यक्ष व राष्ट्रीय सभा संघ के अध्यक्ष जो हैं हंसराज नमोसौ जी व कांग्रेस संस्थापक सुखविंदर सिंह जी व महासचिव परमजीत कौर, इन सभी के द्वारा सभी खिलाड़ी को बधाई भी दी गई है।
और पटना एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर तक की लगभग 10 जगहों पे जो है विजेता खिलाड़ियों को स्वागत की व्यवस्था की जा रही है। जोरदार स्वागत का तैयारी पटना एयरपोर्ट पर चल रहा है और सभी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं और बिहार के लोग काफ़ी इंतजार में हैं। पहली बार इन्होंने इतना पदक मार के इतिहास रचा। इसी के साथ मैं सिहानी राहुल श्रीवास्तव, कोच भारतीय सवार टीम।